उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिला पंचायत चुनाव में अपनी ही पार्टी से गद्दारी करने वाले नेताओं का नाम सामने आ गया है, जिससे पार्टी में बवाल मच गया। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव हारने वाले सपा के नेताओं के खिलाफ पार्टी हाईकमान को गोपनीय रिपोर्ट भेजी गई थी, जो अब वायरल हो गई है। इस लेटर में नगर पालिका चेयरमैन के पति सहित चार लोगों को गद्दार बताया गया है। इसके बाद पार्टी में घमासान शुरू हो गया। वहीं चेयरमैन ने प्रेस वार्ता करते हुए इन सभी आरोपों का खंडन किया है और पार्टी जिलाध्यक्ष पर पैसे लेकर गलत लोगों को टिकट बांटने का आरोप लगाते हुए उसे हार का कारण बताया। मैंने व्हाट्सएप पे दिया, जिससे मुझे सुबह को जानकारी मिली। मैंने प्रत्याशी को जो सोमवार कल रात सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ, जो लेटर हमारी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री राशिद हुसैन और जिला महासचिव आदित्य सिंह के साइन के साथ वो लेटर प्रदेश मुख्यालय पर दिया गया। मुझे इस लेटर पर ज्यादा टिकट टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जिस शब्दों का और जिस सोच का उस लेटर के अंदर प्रदर्शन किया गया है, दिखावा किया गया, उससे मुझे सख्त ऐतराज है। सबसे पहले तो मैं इस बात पर मुझे ऐतराज है कि हमारी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन साहब ने मुझे थाने का दलाल बताया है, जिससे मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंची है और मेरे 20-25 साल के राजनीतिक कैरियर पर जो काम सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने भी कभी मुझे दलाल नहीं कहा, मेरी पार्टी जिला दलाल कहा है। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा